कल यानी कि 13 मई से दमन में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए 3 सेंटर निर्धारित किए गए हैं, सार्वजनिक स्कूल नानी दमन, स्वामीनारायण स्कूल डाभेल और हायर सेकेंडरी स्कूल भीमपुर। इन 3 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन इन 3 सेंटर्स पे किया जाएगा। इस वैक्सीनेशन को कराने के लिए जो एलिजिबल लोग हैं वो cowin.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करा के जो भी उनको टाइम तारीख मिलता है और जिस वैक्सीनेशन सेंटर के लिए वो रजिस्टर करते हैं वहाँ पे पहुँच के अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए ये है कि बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। तो आज ये पोर्टल एक्टिव ऑलरेडी हो चुका है, आप पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना टाइम, प्लेस और डेट फिक्स कर सकते हैं कि आपको वैक्सीनेशन कहाँ पे कराना है। हर रोज़ दमन में 750 वैक्सीनेशन 18 से 44 के वर्ग के किए जाएंगे अगले कुछ दिनों के लिए। तो आप रजिस्टर करके जो आपको अपने फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा वो मैसेज को लेकर जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पे आप वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच जाएंगे। आप सब लोग संयम रखें, सबकी बारी वैक्सीनेशन की आने वाली है, ये एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर कर रही है। कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर पे बिना रजिस्ट्रेशन करे ना पहुँचे और वहाँ पर क्राउडिंग या लोगों का जमावला नहीं होना चाहिए, आप रजिस्टर करके वहाँ पे आ सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट मैं आप सब लोगों से करूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी दमन के यूथ हैं वो एक मुहिम ऐसी चलाएं कि ऐसे कुछ लोग जिनको वो जानते हैं कि जिनको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ सकती है, तो हर दमन का जवान लड़का लड़की मेरा भाई बहन ये हिम्मत करे कि वो हर किसी ऐसे 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन अपने साथ में ही करा दें जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, ताकि उन लोगों का भी वैक्सीनेशन आपके साथ में ही वैक्सीनेशन सेंटर पे हो जाए। कोई भी अगर किसी को दिक्कत आती है वैक्सीनेशन के बारे में, कोई भी जानकारी चाहता है, तो 104 नंबर पे 104 पे फ़ोन करके वो जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो दोबारा यही कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन cowin.gov.in पे कल से शुरू होने वाले 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन के लिए चालू है, तो वो रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन सेंटर पे आके आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जितने भी 45 साल से ऊपर वाले लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन ऑलरेडी 5 सेंटर्स पे चल रहा है, वो 5 सेंटर वैसे ही चलते रहेंगे और 45 साल से ऊपर वाले लोग जो अपना फर्स्ट डोज या फिर सेकेंड डोज के लिए जा रहे हैं वो उनमें से किसी भी 5 सेंटर्स पे, जो कि हमारे सब गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, वहाँ पे जाके अपना फर्स्ट या सेकेंड डोज नॉर्मली जैसे पहले लेते थे वैसे ले सकते हैं। ये जो 3 नए सेंटर हैं ये 18 से 44 साल के लोगों के।